बीएसएफ से बुलाए गए जेलर, जेल की सुरक्षा में खड़े हैं सीआरपीएफ के जवान, फिर भी लॉरेंस ने दे दिया दूसरा इंटरव्यू। सलमान को कैसे बनाएगा निशाना, खुद ही बताया प्लान। हंसते मुस्कुराते सुनाता रहा अपराध का किस्सा, जेल में बैठे गैंगस्टर ने खुला चैलेंज। खालिस्तानी खतरे की बात छोड़िए, लॉरेंस से निपटना ही होगा मुश्किल। जरा सोचिए, जिस जेल की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में हो, डीजीपी जेल के अंदर जैमर लगे होने का दावा करते हो, वहां एक गैंगस्टर ने लाइव इंटरव्यू कैसे दिया, वो भी एक नहीं दो दो बार। 16 मार्च को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया कि 14 मार्च का जो इंटरव्यू मीडिया में आया वो मेरे यहाँ का नहीं है। लॉरेंस की नई फोटो भी दिखाई। रात को डीजीपी सोने गए तो इधर लॉरेंस ने उसी लुक में दूसरा इंटरव्यू भी दे दिया, जिसने भी वो ऐसी बात कह गया जिसे सुनकर आपको सिस्टम पर गुस्सा आएगा। पहले उसके इंटरव्यू के कुछ खुलासे सुनिए, फिर बताते हैं कि कैसे बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक और भगवान मान सरकार तक को खुला चैलेंज है। पहला खुलासा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो है सलमान खान को मारना। एक बार उसकी सिक्योरिटी हटा लो, फिर बताता हूँ उसके साथ क्या होगा। उसे मारकर ही गुंडा बनूंगा। सलमान का अहंकार रावड़ से भी बड़ा है। अगर विश्नोई समाज के मंदिर में सलमान खान माफी मांग ले तो मामला खत्म हो जाएगा। खुलासा नंबर दो, पंजाब के सीएम भगवंत मान का ये दावा गलत है कि गोल्डी बराड़ अमेरिका में है। मेरी बात उससे होती है, वो वहां है नहीं। मैं उसका लोकेशन नहीं पूछता। मेरे भांजे सचिन को विदेश में पकड़ा गया। मैं 3 पुलिस अधिकारियों से प्रभावित हूं, लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा। तीसरा खुलासा, इसलिए बात कर पा रहा हूं, कभी कभी पकड़े भी जाते हैं लेकिन आज गुड लक है, कोई नहीं आ रहा है। बात करने के बाद फोन दीवार के बाहर फेंक देता हूं। चौथा खुलासा, हमारा गांव पड़ता है पंजाब में। अमृतपाल ने सोशल मीडिया पर खालिस्तान का बवाल मचा रखा है। मैं कहता हूं 1 इंच खिसका कर ये देखे तो। जबकि दूसरी तरफ पंजाब के डीजीपी ही नहीं बल्कि जेल की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ को भी खुला चैलेंज कर रहा है। लॉरेंस जिस बठिंडा जेल में बंद है वहां जैमर लगे हुए हैं, जिनका काम जेल का बाहर की दुनिया से नेटवर्क तोड़ना है, इनके अंदर पुलिस का खौफ पैदा करना है, जेल को अपराधी का डन नहीं बनने देना है। पर लॉरेंस विश्रोई की मुस्कुराहट देख क्या ऐसा लगता है कि 10 साल से वो जेल में बंद होने के बावजूद भी कोई उस पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि वो तो गर्व की अनुभूति फील कर रहा हो, वो भी तब जब वो देश की बड़े जेलों में सजा काट कर आया हो। फिर भी इसकी गैंग की कमर नहीं टूटी। ऐसे गैंगस्टर के साथ पुलिस को क्या करना चाहिए ये तो जनता को ही बताना होगा। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा।